गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने 2.3 के जो क्वेश्चन बताए वो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे और आप उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे और जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसका आप डेली वाइज प्रैक्टिस करें, ठीक है, और अपने नोटबुक में कंप्लीट वर्क करें जो आपको क्लास में बताया जा रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहाँ 2.4 में क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो 2.2 एक्सरसाइज में जो आपने किए थे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। क्या है वर्ड प्रॉब्लम? इसमें कोई इक्वेशन आपको नहीं दे रखा है। जैसे 2.3 में आपको इक्वेशन दे रखा था, डायरेक्ट आप एक्स वैल्यू निकाल लेते थे तो वो तो बहुत ईजी था। अब 2.4 में क्या है वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़े, ध्यान से समझे, फिर आप इक्वेशन बनाए, ठीक है। हमें इसमें इक्वेशन बनाकर फिर हमें अननोन एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अमीना थिंक ऑफ ए नंबर। अमीना ने कोई भी एक नंबर सोचा, कोई भी एक नंबर सोची, ठीक है। अमीना थिंक ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। और अमीना ने माना कि कोई एक नंबर सोची उसमें से वो 5/2 को सब्ट्रैक्ट करती है, सब्ट्रैक्ट कर लिया, फिर जो रिजल्ट आता है फिर उसमें क्या करती है, शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको वो 8 से मल्टीप्लाई करती है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज द 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। तो वो जो उसने नंबर सोचा था उसका वो 3 टाइम्स के इक्वल है, तो बताओ नंबर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट अमीना थिंक, लेट अमीना थिंक्स अ नंबर नंबर क्या सोच रही है x। क्या नंबर सोचा उसने, क्या नंबर सोची उसने x। अब ये बताया इस नंबर को 5/2 से सब्ट्रैक्ट करती है तो क्या हो जाएगा, नंबर में 5/2 को सब्ट्रैक्ट करती है तो एट किसके लिए यूज कर रहा है इस क्वेश्चन में, एट नंबर के लिए। तो x ये नंबर है इसमें से वो 5/2 को सब्ट्रैक्ट करती है, ये कर लिया इसे सब्ट्रैक्ट में कोई भी रिजल्ट आया होगा, ठीक है। जैसे 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा 5, रिजल्ट से 5 मिला, ये रिजल्ट आ गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद। फिर आगे क्या करती है, इसको वो 8 से मल्टीप्लाई करती है, इसको किससे मल्टीप्लाई करती है 8 से, इसको 8 से इनटू करती है, ये इनटू लगा दिया मैंने, ठीक है। क्या है ये इनटू 8, इस रिजल्ट को 8 से वो मल्टीप्लाई करती है, ठीक। मल्टीप्लाई करने के बाद द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर, जो नंबर उसने सोचा था उसका वो 3 टाइम्स यानी 3 गुना, तो 3 इंटू एक्स, नंबर एक्स थी उसका 3 टाइम क्या होगा, 3 टाइम मतलब उसको 3 से इंटू करो उसके इक्वल ही रिजल्ट हो जाएगा। देखो तो क्या होगा आपका 8, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 8 ब्रैकेट्स एक्स माइनस 5/2, ठीक है। नंबर एक्स थी उसमें से 5/2 उसने सब्ट्रैक्ट किया, फिर जो रिजल्ट है उसको 8 से मल्टीप्लाई करती है जो किसके इक्वल होगा 3x, ये आपकी इक्वेशन बना है, ठीक है। अब x की जो वैल्यू आएगी वो अमीना ने जो नंबर सोचा वो उसका आंसर बताएगा, ठीक है। अब हमें 8 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करिए, 8 का x से मल्टीप्लाई करो 8x, फिर प्लस इनटू माइनस माइनस 8 × 5/2, ठीक है, इक्वल 3x। देखो 2 से काट लो 2 बचे 2, 2 4 जा 8, समझ गए। तो 8x माइनस 4 फाइव जा 20 इक्वल 3x, समझ गए बच्चों। देखो अब 3x को आप ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट की तरफ और नंबर को राइट की तरफ ट्रांसफर करेंगे, देखो तो ये माइनस 20 तो राइट साइड की तरफ जाएगा और ये 3x कहां लाएंगे लेफ्ट की तरफ, दिख रहा आपको। तो आपकी स्टेप क्या हो जाएगी वो देखो आप, 8x इक्वल, देखो 8x ये 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा लेफ्ट में आ रहा है और ये इक्वल। अब नंबर को आप राइट में ले जा रहे हो तो माइनस की 20 है, ये उधर जाएगा तो प्लस की 20 हो जाएगा, ठीक है।
8 ऐसे 3 सबट्रैक्ट करो 5x इक्वल 20, तो x इक्वल 20 डिवाइड बाय 5, तो 5 और 20, तो x इक्वल क्या होगा 4। अमीना ने नंबर क्या सोची थी, x, नंबर क्या सोचा था x, तो आप आगे बताएंगे। अमीना थिंक्स अ नंबर x इक्वल 4, उसने क्या नंबर सोची थी 4, समझ गए, और ये आपका आंसर। ठीक है ना बच्चों, तो आपको ऐसे क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, और इनको आपको अच्छी तरह समझेंगे तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, बाकी हम नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं समझे तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, समझ गए होंगे आप। देखिए इसी तरह से आप देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। मैं आपको एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है समझ लीजिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, अ पॉजिटिव नंबर इज, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, एक पॉजिटिव नंबर है जो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है, यानी 5 गुना है, कितने टाइम्स है 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मतलब 5 गुना है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अगर 21 को दोनों नंबर में ऐड कर देते हैं, ठीक है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स, तो जो नई नंबर बनती है वो क्या होगा ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, तो वो नई नंबर वो दूसरे की डबल होगी, तो व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या होगा, समझ गए होंगे आप बच्चों। तो आप पॉजिटिव नंबर क्या मानेंगे x, क्या मानेंगे x, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, एक नंबर पॉजिटिव नंबर वो दूसरे नंबर का 5 गुना है, ठीक है। अब ये बताइए कि 21 इज एडेड टू बोथ नंबर, अगर दोनों में वो 21 को प्लस करता है, ठीक है, एक नंबर x हुई तो अदर नंबर क्या हुई 5x, समझ गए आप, एक नंबर क्या होगा x, तो अदर नंबर क्या होगा 5x, फिर वो दोनों में 21 प्लस करेगा, तो एक तो फर्स्ट वाली में x प्लस 21 हो जाएगा, अदर नंबर में क्या होगा 5x प्लस 21। बच्चों आप सुन रहे हो, आपको ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सोल्व करना, लेकिन पूरा आप मेथड समझा रहा हूँ। एक नंबर हो जाएगी आपकी x प्लस 21, दूसरी नंबर क्या होगा 5x प्लस 21, ये दोनों नंबर होगी आपकी, देन वन ऑफ द न्यू नंबर, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, तो ये जो एक नंबर वो दूसरे की डबल होगी, तो आप अगर मान लो x प्लस 21 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, ब्रैकेट में लिख दे 2 इनटू ब्रैकेट x प्लस 21 इक्वल टू x प्लस नहीं 5x प्लस 21, ठीक है, फिर ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, और इससे आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास जो नंबर x भी जाएगी वो एक न्यू नंबर, मतलब एक नंबर आ जाएगी, वो आपका आंसर हो जाएगा। और थैंक यू बच्चों।